आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 3 HP के स्टार्टर में कितने नंबर के और कितने कैपेसिटर लगते हैं, और दोस्तों कितने स्टार्टिंग सेल लगते हैं और कितने जो पावर होते हैं उनके कंडेंसर लगते हैं। तो जो भी दोस्त हमारे YouTube चैनल पर नहीं है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो दोस्तों, आपको वीडियो में दिख रहा होगा ये आपके सामने जो रखा हुआ है, ये है 3 HP का स्टार्टर। दोस्तों, लकड़ी के बॉक्स में कुछ वायर होते हैं और एम्पियर घड़ी होती है, वोल्टेज घड़ी होती है, और दोस्तों कुछ स्टार्टर होता है, उसमें स्टार्टर ऑयल भरा होता है। तो दोस्तों, आपको स्टार्टर में दिख रहे होंगे जो 3 HP का जो स्टार्टर है, इसमें 3 सेल आपको दिख रहे होंगे। तो ये 3 सेल हैं वो 3 HP के स्टार्टर में लगते हैं, जो आपको एक तो ब्लैक कलर में और 2 व्हाइट कलर में दिख रहे होंगे। तो मैं आपको एक एक बताऊंगा कि कितने नंबर के ये लग रहे हैं, क्या क्या काम करते हैं। दोस्तों, तो वीडियो पर बने रहिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत खास है। तो दोस्तों, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा, जो ब्लैक कलर का था ये है 200-250 mAh 275 वोल्ट दोस्तों कैपेसिटर, मेड इन इंडिया। तो दोस्तों, ये 200-250 का जो कंडेंसर होता है वो होता है स्टार्टिंग सेल, यानी स्टार्टर जो होता है उसको स्टार्ट करने का काम करता है दोस्तों। और आपको जो 2 व्हाइट कलर के दिख रहे होंगे उनके नंबर में बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत खास है, क्योंकि 3 HP के स्टार्टर बता रहा हूं मैं। और दोस्तों जो 2 व्हाइट कलर के हैं वो है जो आपको बता रहा हूं मैं। तो दोस्तों, वो है वो 50 mAh 2 सेल और एक है 200-250 का, आपको दिख रहा होगा। दो तो 50 mAh का, एक है 200-250 का कंडेंसर है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कई वीडियो आपको मिलती रहती है दोस्तों।